हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 7 का एपिसोड नंबर 6। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्पीड फोर्स घायल अवस्था में स्टार लैब पहुंची थी बैरी की मॉम नोरा का रूप लेकर, जिसने कि खुद पर हमला करने का इल्जाम फ्रेंजा और साइक पर लगाया था, जो कि स्पीड फोर्स की तरह ही दूसरे फोर्सेस है। वहीं बैरी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण वह खुद को ठीक करने के लिए खुद को स्लीपिंग मोड में डालकर क्रायोपॉड में बंद हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज के एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 6 के साथ, जिसकी शुरुआत एक लड़की के साथ होती है जो कि फोन पर बातें करते हुए जिटर कैफे से अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी इसे सड़क पर अचानक से पुराने वक्त के सैनिक, जहाज और यहाँ तक कि डायनासोर भी दिखने लगते हैं, जिसे देखकर ये लड़की भागना शुरू कर देती है। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब इस घटना के 24 घंटे पहले दिखाई जाती है, जहाँ अब स्टारलैब में स्पीड फोर्स पहले से बेहतर है। और आइरिस के द्वारा पूछने पर कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, स्पीड फोर्स बताती है, कुछ दिन पहले जब स्पीड फोर्स को इसका नया जन्म मिला था, पहले की तरह ये नॉर्मल थी, तभी अचानक से इसे दर्द महसूस होने लगा, जैसे मानो स्पीड फोर्स जितना ताकतवर ही और शख्स आ गए हैं जो कि इसकी जगह लेना चाहते हैं। जहाँ पता करने पर यह चार फोर्सेस है जो स्पीड फोर्स को दबाना चाहते हैं, जिनमें से दो है फ्रेंजा और साइक, और बाकी दो और कौन और कहाँ है स्पीड फोर्स को नहीं पता। चूँकि ये बहुत ही घायल हो चुकी थी, बैरी के पास आ गई रिकवर होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह स्वस्थ होकर उन बाकी फोर्सेस का सामना कर सके। तभी यहाँ चेस्टर भी आता है और स्क्रीन पर अपनी न्यू मशीन के बारे में फ्लैश टीम को बताता है, जिससे कि ये आइसोटॉप्स यानी उन बाकी फोर्सेस की उपस्थिति अपने आसपास होने को फट से जानकर पकड़ सकता है, जिसे सेट करने के लिए अब सिस्को और चेस्टर सिटी से दूर बाहर खुले मैदान में जाते हैं। और मशीन को सेट कर ही रहे होते तभी इनमें शॉर्ट सर्किट लग जाती है, जिससे जब से इसको ठीक करने लगता है, चेस्टर देखता है इनके तरफ बहुत ही विशाल मात्रा में ग्रीन वेव आ रही है, जिसे देख अब इन दोनों की हालत ढीली पड़ जाती है। तब ये ग्रीन वेव बिना इन्हें नुकसान पहुंचाए ही इनके आर पार हो जाती है, जिसकी खबर स्टार लैब में पहुंचाने के लिए सिस्को जब अपना फ़ोन चेक करता है, उसकी जेब से उसकी फ़ोन गायब रहती है, और साथ ही इनका स्टार लैब वाला वैन भी गायब होता है, जिसके बाद ये लोग इस जगह से दूसरी ओर सड़क पर घूमना शुरू कर देते हैं। तब इन्हें ये पता चलता है दरअसल ये लोग इस वक्त ईयर 1998 में है, जहाँ ये लोग उस ग्रीन वेव के कारण फंस चुके हैं। तब सिस्को को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, पर वही इस टाइम ट्रेवल वाली चीज को देखकर चेस्टर काफी इंजॉय कर रहा होता है, जिसे कि सिस्को चुप कराता है। और फिर ये दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगते हैं, जहाँ पर चेस्टर वही मौजूद डस्टबिन से कुछ पुरानी चीजें निकालकर ये लोग एक सेंसर डिवाइस बनाते हैं, जिसे ये पहले तो ये पता करेंगे कि आखिर उस ग्रीन वेव के कारण सिर्फ यही दोनों पास में पहुंचे हैं या फिर कोई और लोग भी है। तब ये सेंसर डिवाइस इन्हें इस वक्त के हाई स्कूल में लाती है, जहां पर पहले तो ये लोग अपना हुलिया चेंज कर इस वक्त के जैसे लोगों की तरह अपना गेटअप बनाते हैं, और फिर अंदर जाकर अलग अलग स्टूडेंट से फ्यूचर के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, ताकि ये लोग फ्यूचर के शख्स को पहचान सके जो टाइम को मैनिपुलेट कर रहा है। तभी कॉलेज में इन्हें एक डियोन नाम का लड़का मिलता है, जिसके पास चूंकि लेटेस्ट गैजेट और फोन तक होता है, कॉलेज के लड़के उसी की तरह अमीर बनना चाहते थे। सिस्को को डियोन पर ही डाउट हो जाता है, तो वो अपनी सेंसर डिवाइस इसकी तरफ पॉइंट करता है, पर तब तक डियोन दूसरी ओर चला जाता है। और उसी दौरान उसी डायरेक्शन से एक लड़का आता है, तब हम देखते हैं इनकी ये सेंसर डिवाइस बजने लगती है, जिसे देख अब सिस्को और चेस्टर उस लड़के के पास आते हैं। तब इन्हें ये पता चलता है ये लड़का भी फ्यूचर से ही है, पर ये टाइम गॉड नहीं है, बल्कि ये तो खुद ही इन्हीं की तरह यहाँ पर फंसा हुआ है। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक बार फिर से वही ग्रीन वेव आती है। तब सिस्को और चेस्टर वापस से उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ ये लोग हाई स्कूल की तरफ गए थे। तब सिस्को अचानक से सब भूल जाता है और चेस्टर को अपने पास आते हुए देख भागने शुरू कर देता है। तब किसी तरीके से यहाँ पहले तो चेस्टर सिस्को से बात कर इसे वापस से सब याद दिलाता है, और फिर आसपास की चीज़ें देख इन्हें ये पता चल जाता है कि ये लोग टाइम लूप में इस वक्त फंस चुके हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम लूप का मतलब ये था कि ये लोग वक्त के एक ही समय में फंस चुके हैं, जो थी 4 दिसंबर 1998। तो दोस्तों, आप एक बात मानो या ना मानो, आजकल जमाना है गेमिंग का, लेकिन 100 गेम्स खेलने के लिए आप थोड़े ना 100 ऐप्स को डाउनलोड करोगे, बस एक विंडो ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ है नाइफ अप, सीप, पैटल, क्रिकेट जैसे 100+ गेम्स। जैसी आपकी स्किल वैसा गेम। विंजो बना गेम खेलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवॉर्ड, और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, UPI या बैंक में। और तो और ना, विंजो वर्ल्ड वार में बाकी लोगों से कम्पीट करो और जीत सकते हो आप अपना टीम,
और यहाँ हारने का भी कोई गम नहीं है, क्योंकि यहाँ हारने पे भी आप जीत सकते हो कैश रिवॉर्ड। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, आप फिर शॉपिंग भी कर सकते हो। आप विंजो स्टोर पे ना मिलते हैं एजफॉल्ट माइनक्राफ्ट की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और अमेजोन प्राइम, डोमिनोज, हॉटस्टार जैसे कई बड़े ब्रांड के डिस्काउंट कूपन भी। तो जल्दी से डाउनलोड करो विंजो ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, और वहां से आप पा सकते हैं 50 रुपए का बोनस कैश, वो भी एकदम फ्री। तो दूसरी तरफ अब हम स्पीड फोर्स को देखते हैं, जो कि बैरी की कंडीशन देख परेशान हो रही होती है और आयरिस से पूछती है, आखिर तुम कैसे ये सब सह लेती हो? जवाब में आयरिस मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हम एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, तभी तो मैं बैरी की लाइटनिंग वोल्ट हूँ। और फिर इतना बोल आयरिस स्पीड फोर्स को अपने साथ अपने घर लाती है, और बातों ही बातों में इसे बैरी की फेवरेट चादर दिखाती है, जो कि बैरी की मॉम की थी। इसलिए जब भी बैरी अपनी मॉम को याद करता है, इसे चादर से लिपट कर सोता है। अब आयरिस से बता ही रही होती है, तभी स्पीड फोर्स की नज़र वहीं रखी फ्रेम पर पड़ती है, जिसमें कि नौरा यानी कि बैरी की मॉम की तस्वीर होती है। अब यहाँ पर नौरा की शक्ल खुद की तरह देख स्पीड फोर्स को ऐसा लगता है कि इसकी सूरत के कारण बैरी कितना हर्ट होता होगा। और इन्हीं बातों को सोचते हुए स्पीड फोर्स अचानक से बिना आयरिस को बताए यहाँ से चली जाती है। तब आयरिस भी इसे ढूंढते हुए जीटर कैफे पहुँचती है, जहाँ पर आयरिस देखती है स्पीड फोर्स कैफे में बैठकर रो रही है। और जब आयरिस इसके नज़दीक आती है, स्पीड फोर्स रोते हुए इससे बोलती है, मैं बिल्कुल डिट्टो नौरा की तरह दिखती हूँ ना, मुझे देखकर तुम सबको उसकी याद आती होगी, खास तौर पर बैरी को, वो मेरी इस शक्ल को देखकर हर्ट होता होगा। जवाब में स्पीड फोर्स को चुप कराते हुए आयरिस बोलती है, हाँ नौरा की याद तो दिलाती हो आप, पर हम या बैरी हर्ट नहीं होते, बल्कि हमें तो अच्छा लगता है ये सोचकर कि बैरी की मॉम अभी भी हमारे पास है। जिसे सुन अब स्पीड फोर्स को पहले से बेटर लगता है। तो इधर टाइम लूप में अब हम सिस्को और चेस्टर को देखते हैं, जो कि इस टाइम लूप से बाहर निकलने की दोबारा प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी चेस्टर गौर करता है 4 दिसंबर 1998 को इसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिन्हें चेस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वे हमेशा अपने काम और प्रोजेक्ट में ही बिजी रहा करते थे। पर इस वक्त सिस्को और चेस्टर बिल्कुल चेस्टर के डैड के दुकान के सामने खड़े होते हैं, जहां पर इन्हें वही चीज़ें मिल सकती थी जो इनके काम आने वाली थी। अब ये सुन सिस्को चेस्टर को ज़बरदस्ती इसके पिता की दुकान में भेज देता है, ये बोलकर कि आज आखिरी वक्त है जब तुम अपने पिता के साथ और भी पल गुजार सकते हो। जैसे भी हो, है तो तुम्हारे पिता ही ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें उनके शॉप से एक 76 पावर कन्वर्टर किसी भी हाल में चाहिए। आगे जब चेस्टर अपने पिता से एक ग्राहक बनकर मिलता है, क्योंकि 1998 में चेस्टर मात्र 7 साल का था और अभी बड़ा हो चुका था, इसलिए इसके डैड इसे पहचान नहीं पा रहे थे। यहाँ पर चेस्टर अपना नाम मलिंगा बताते हुए अपने डैड को एक 76 पावर कन्वर्टर मांगता है, जहाँ इसके डैड ये डिवाइस देने से चेस्टर को मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि ये वाला पीस इनके पास सिर्फ एक ही है, जो कि डस्टबिन में डाल रहे हैं, ताकि इसके बेटे चेस्टर डस्टबिन से ढूंढकर अपने किसी काम में लगा ले। जिस पर चेस्टर को अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तब किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए चेस्टर पूछता है, अगर आपको अपने बेटे के प्रोजेक्ट का इतना ही ख्याल है, तो आप इसे डायरेक्ट उसे क्यों नहीं दे देते? जवाब में इसके डैड बोलते हैं, बच्चों को चीज़ें उसके हाथ में दे दो ना, तो वे कभी मेहनत करेंगे ही नहीं, और यही अगर मेरा बेटा खुद परेशान होकर चीज़ों को ढूंढकर अपने स्तर से सफलता हासिल करेगा ना, उस पर मुझे ज़्यादा फक्र होगा। अब यहाँ अपने डैड के मुँह से अपने लिए ये बात सुन चेस्टर समझ जाता है कि इसके पिता इतने स्ट्रिक्ट इसलिए थे क्योंकि ये चेस्टर की फिक्र किया करते थे इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए। जिसके बाद अब चेस्टर भावुक होता हुआ एक अनजान शख्स की तरह ही अपने डैड के साथ वक्त बिताता है, और साथ ही एक 76 पावर कन्वर्टर के बदले इसी की तरह ही दूसरा गैजेट लेकर अब सिस्को के पास लौट आता है। तब ये दोनों वापस से हाई स्कूल पहुंचते हैं, ये देखने के लिए कि पिछली बार आखिर एग्जैक्ट में इनके साथ हुआ क्या था। तब इनके सामने अचानक से डियोन आ जाता है, जिसकी आंखें की हड़ी होती है, जो खुद को अब टाइम गॉड बोलते हुए गुस्से में चिल्लाने लगता है। तब डियोन का जैसे जैसे गुस्सा बढ़ रहा होता है, हम प्रेजेंट वक्त में देखते हैं वहाँ की चीज़ें बदलने लगती है। जैसे वे रहते तो प्रेजेंट वक्त में ही है, पर उनका हुनर 90s की तरह बदल जाता है, और ये वही वक्त होता है जो हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था, जब पुराने वक्त की चीज़ें भी प्रेजेंट में आने लगी थी, और वो लड़की जो कि सड़क पे थी, वो डायनासोर देखकर भागना शुरू कर देती है। और इस तरीके से डियोन के टाइम मैनिपुलेटिंग की वजह से हर तरफ भगदड़ मची पड़ी थी। तब इधर स्टार लैम से भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा और कर कौन रहा है। तो दूसरी तरफ अब हम डियोन को देखते हैं, जो कि गुस्से में बोल रहा होता है कि इसकी ख्वाहिश थी कि ये एक बड़ा फुटबॉलर प्लेयर बने, पर वक्त ने इसके साथ धोखा किया,
ये किसी वजह से फ्यूचर में हारने वाला है। इसीलिए चूंकि इसकी फ्यूचर खराब हो गई, ये अपने लाइफ का सबसे बेस्ट दिन 4 दिसंबर 1998 में रहना पसंद कर रहा है और कोई भी इसमें छेड़छाड़ करे डियोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। तब डियोन को गुस्से में देख पहले तो सिस को अपने साथ लाए गैजेट से इसे रोकने की कोशिश करता है, पर डियोन पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तब चेस्टर यहाँ कुछ सोचता हुआ अब डियोन को समझाना शुरू करता है। माना कि एक एक्सीडेंट से तुम्हारी करियर बिगड़ गई है फ्यूचर में, पर डियोन इस तरह टाइम को मैनिपुलेट करने की जगह दोबारा अपने फ्यूचर को ठीक करने की कोशिश करो, मे बी चीजें वापस से नॉर्मल हो सकती है। तब यहाँ चेस्टर की बातों से डियोन कहीं ना कहीं सहमत होते हुए अब अपना गुस्सा शांत कर अचानक कुछ सोचता हुआ कहीं गायब हो जाता है। तब डियोन के गायब होते ही चीजें खुद ब खुद ही पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाती है और चेस्टर और सिस्को भी वापस अपने वक्त में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अब आगे में स्टार लैब में सभी को साथ में दिखाया जाता है। तब बैरी भी पहले से अब बेहतर होता है और डियोन का कुछ अता पता इन्हें अभी नहीं चल रहा होता है। तब बातों ही बातों में अब हमें ये पता चलता है डियोन तीसरा फोर्स है जो कि टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए सिस्को इसका नाम स्टील फोर्स रखता है। और बच्चे फ्रेंजा और साइक, चूंकि फ्रेंजा बहुत ही बलवान थी उसका नाम सिस्को रखता है स्ट्रेंथ फोर्स, और तीसरा साइक का नाम रखते हैं सेज फोर्स यानी कि बुद्धिमान। और अब बचा चौथा और आखिरी फोर्स जिसकी खोजबीन में फ्लैश टीम अब लग जाती है। तो अब चूंकि रात हो चुकी थी सभी फिलहाल अब सोने अपने घर जाने लगते हैं। तब आयरिस या स्पीड फोर्स को भी अपने साथ अपने घर आज चलने बोलती है ताकि स्पीड फोर्स को अपनी मॉम समझ अपने सामने दिख बैरी को अच्छा लगेगा। तो अब एपिसोड के आखिर में हम जोई को देखते जो कि फ्रोस्ट से मिलने आता है और क्रिस्टिन वाली बात इसे बताता है कि किलर फ्रोस्ट के पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक क्रिस्टिन इसे गिरफ्तार करने आई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए फ्रोस्ट को छिपकर रहना चाहिए। जवाब में फ्रोस्ट बोलती है मैं अब पूरी तरह बदल चुकी हूँ, अच्छी इंसान भी बन चुकी हूँ और मैं अपनी लाइफ किसी को यूं ही बर्बाद नहीं करने दूंगी, क्रिस्टिन को आने दो मेरे पास, देख लूंगी। और फ्रोस्ट के इसी लाइन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि मैं इसका जब भी नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।